नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोनोटोशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं जावा 42.1 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई दर्पण, जो कि जिसने रिसेंटली ये बाइक खरीदी है और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेगा आप सबके साथ। एक्चुअल जो है, जो भी एक्सपीरियंस है वो आप सबसे शेयर करेगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव और क्या वो सेटिस्फाइड है इस बाइक से या फिर नहीं, तो ये सब आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दर्पण, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। हेलो एवरीवन। और तो ये बाइक आपको कितने की पड़ी ऑन रोड? ये मुझे 230 की, 230,000 ऑन रोड। इसमें मुझे 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई अप टू 50,000 किलोमीटर तक, और 2+1+2 का फुल इंश्योरेंस मिल गया। 1 साल का कंप्लीट है और 2 साल का थर्ड पार्टी है। ओके। और बाकी जो इसके थोड़ी बहुत एक्सेसरीज वगैरह कंप्लीट लगवा के वो सारा कुछ 230 का ऑन रोड पड़ गया। कौन कौन सी एक्सेसरीज मिली है? यही तो, एक लेग गार्ड इसके अंदर, एक वो फ्रंट लाइट वाली जाली मिल गई, एक ये बैक स्पोर्ट कैरियर मिल गया, बस यही। ओके। और वारंटी कितने टाइम की बताई आपने? वारंटी 2 साल की तो कंपनी की तरफ से आती है, 25,000 किलोमीटर तक। ओके। और 2 साल की एक्सटेंड हो गई है तो अब तो 4 साल की वारंटी है 50,000 किलोमीटर तक। ओके, ठीक है। तो ये बताइए कि जैसे इस सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स आती हैं इस प्राइस रेंज में, हम बात करें रॉयल एनफील्ड की, होंडा हाइनेस की, रॉयल एनफील्ड मीटर, न्यू क्लासिक, तो काफ़ी सारी बाइक्स आती है, तो आपका जावा पे ही मन क्यों टिका? जावा एक्चुअली, रॉयल एनफील्ड तो काफ़ी टाइम से मार्केट में चल रहा है, तो वही एक सेम लुक देख देख के एक्चुअली कि बंदा सोचता है कुछ नया होना चाहिए, तो इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सुपीरियर लगा मुझे उनके एज कम्पेरेटिव, अगर बुलेट के बिहाफ पे देखें या कुछ देखें, तो वो मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो ये कुछ नया, तो कुछ नया ट्राई करने का मन करा, तो सोचा कि जावा पे जाना चाहिए। ओके। कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बात करें राइड की, तो इसमें इस बाइक में आपको वाइब्रेशंस लगी? नहीं, एज कम्पेरेटिव बुलेट तो नॉर्मल, बिल्कुल भी स्मूथली चलती है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड के पास बुलेट भी है, तो वो जैसे 60-70 की स्पीड से ऊपर जाती तो पूरा स्टेयरिंग वाइब्रेट, पूरी बाइक में वाइब्रेशन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अपना 100-110 तक नॉर्मल चलती है, बिल्कुल स्मूथली चलती है। सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग बहुत अच्छा चलता है, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, मतलब अभी तक तो कोई ऐसी कमी लगी नहीं है मुझे। तो यहाँ वाइब्रेशन की बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे मीटर और उसमें भी काफ़ी कम हो गई है न्यू क्लासिक में, तो फिर भी आपका मतलब जावा का प्लान बना? वही एज यूजुअल की बुलेट काफ़ी टाइम से चलता है। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं उसको, पहले बुलेट भी था वो भी चला के देखा, तो इस टाइम सोचा कि कुछ नया ट्राई करने का। तो मैंने भाई को रिकमेंड भी किया था, यार मीटर देख लेते हैं, क्लासिक न्यू क्लासिक अगर वो भी देख लेते हैं, बट इसका मन था कि नहीं थोड़ा यूनिक कुछ हटके लेना, क्योंकि मार्केट में क्लासिक बुलेट ये सब काफ़ी ज़्यादा आजकल कॉमन है, तो देख देख के थोड़ा बोर हो गया था, तो इसने ये अपने मतलब डिसीजन पर यही रहा कि जावा ही लेनी है। तो अब बात कर लेते हैं राइट एंड हैंडलिंग की, आपको राइट एंड हैंडलिंग कैसी लगी इस बाइक? बिल्कुल नॉर्मल स्मूथली चलता है, जैसे कि अगर सिंगल हैंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, कि अगर आप 80-90 पे जा रहे हैं तो भी सिंगल हैंड पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। ये नहीं है कि हाँ एक हाथ से पकड़ा होता पूरा बाइक इम्बैलेंस चलेगा, बैलेंस चलता है, बिल्कुल स्मूथली चलता है। एक हैंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा, वन हैंड कंट्रोल बहुत अच्छा है इसका। ओके, ठीक है। और बात करें हम साइलेंसर की, आपको जब आपने बाइक खरीदी थी आपको आवाज़ कैसी लग रही थी इस बाइक? जब बाइक ली थी तब तो इसकी आवाज़ नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऐसे कह दूँ कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी। तो 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने एजेंसी में गया था कि मुझे इसकी थोड़ी सी आवाज़ में चेंजेस चाहिए, तो उन्होंने दो तरह की मतलब इसके एग्जॉस्ट में थोड़े से चेंजेस किए थे, दो तरह की आवाज़ मुझे दिखाई थी, एक थोड़ी सी भारी थी, एक थोड़ी सी तीखी थी पर ज़्यादा थी, तो जो मेरे को चॉइस आई तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चेंज करवा ली थी अपनी, अब थोड़ा बेटर है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने साइलेंसर में क्या किया था? उन्होंने एक कोई अंदर पाइप्स थी, पाइप्स निकाल के और वहाँ पे एक छोटे छोटे आगे कॉइंस टाइप वेल्ड किए हुए थे, वेल्डिंग की हुई थी, तो वो गैस वेल्डिंग से उतार के और वापस से वो पाइप्स डाल दी थी, तो उसकी वजह से बहुत चेंजेस आ गए। तो आप सुन सकते हैं जो लेटेस्ट साउंड है इसकी, ये हमने मॉडिफिकेशन करा रखी है साइलेंसर में, जो कॉइंस ये बोल रहे हैं कि निकाले हैं, कुछ वेल्डिंग का पार्ट जो निकाला है इस साइलेंसर से, आप सुन सकते हैं इसकी वॉइस कि कैसे लग रही है, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसे लगी आपको ये साउंड। चलिए अब बात कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हम सबके दिमाग में रहता है कि माइलेज क्या मिल रही है इस बाइक में। माइलेज जैसे अभी तो मैंने अभी तक कोई सर्विस भी नहीं करवाई, जैसे अभी तक तो 1000 किलोमीटर चली भी नहीं है, तो जैसे फर्स्ट इसकी सर्विस 1000 किलोमीटर पर होती है, तो अभी तक तो ज़्यादा तक तो मैंने देखा नहीं, बट देखा जाए तो 30 से 35 के बीच बीच तो अभी माइलेज दे रही है,
तो अभी उसके बाद सर्विस के बाद ओवरऑल पता चल जाएगा अभी क्या कुछ कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तो ऑब्वियसली बात है अभी नई नई इंजन है तो थोड़ा तो कम चलेगा ही एक बार। तो बाकी कंपनी 35 से 40 के बीच में क्लेम करती है तो अभी तो 30 से 35 के बीच में दे दिया मैंने। ओके, और बात करें हम थकावट की, आपको चलाते हुए कभी ऐसा फील होता है कि यार कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है, थकावट होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील हुआ अभी तक तो। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है और स्मूथली चलती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई छोटे मोटे झटके लग रहे हैं या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो सस्पेंशन भी आपको अच्छा लगा? हाँ, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इसका। ओके, और सीटिंग कम्फर्ट की बात करें, सीट कैसी लगी आपको? सीटिंग कंफर्टेबल अगर कहें तो 2 पर्सन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम बात करें कि सीट छोटी है कि अगर 3 पर्सन इजीली बैठ सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 पर्सन इजीली बैठ सकते हैं, 2 पर्सन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, बट नॉट मोर देन 2। ठीक है, और यहाँ मैं बात करूँ इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो कैसी लगी आपको? ग्राउंड क्लियरेंस इसका एक छोटा सा मेजर इशू है कि ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी की ओर से काफ़ी कम है, कि छोटा सा अगर जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उसमें काफ़ी तेज तो नीचे लग जाती है और कोई हाइट हो तो तब भी नीचे लग जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बुलेट या उन बाइक्स के, तो कम है ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये एक मेजर इशू है इसका छोटा सा। ओके, और यहाँ बात करें जब आपने गाड़ी चला ली है 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, जब एक ही रन में हम चलाते हैं 10-20 किलोमीटर, तो आपको लगता है कि जो है हीट ज़्यादा छोड़ रही है? हीट चलते चलते में तो हीट नहीं है, इतना फील नहीं होता, बट जब थोड़ा स्लो होती है बाइक तभी एकदम से थोड़ा लगता है कि हाँ हीट आ रही है इंजन की तरफ से, बट कंपनी की तरफ से रेडिएटर दिया हुआ है, इंजन कूलेंट प्रोवाइडेड है कि उतना लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती हीटिंग, बट एक बार जब थोड़ा तेज चलने के बाद स्लो होती है, जैसे 100 किलोमीटर चलाने के बाद जब स्लो होती है रोकते हैं तो एक बार हीटिंग छोड़ती है, इंजन की तरफ से हीट आता है, बट कुछ टाइम के लिए आता है वो, उसके बाद थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो जाता है। और इसका वेट आपको कैसे लगा बाइक का, मतलब जल्दी हैंडल हो जाती है? जैसे बुलेट काफ़ी हैवी है, बुलेट से थोड़ा सा कम है इसका वेट, तो इजी टू हैंडल है। अगर आपका सोचे कि इसको उठाना बैठना इजीली है, कोई 170 kg के अराउंड कहती है कंपनी कि इसका वेट है 170-175, तो बुलेट से तो 10-15 किलो कम ही है, ईजी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की, तो नाइट में आपको विज़न कैसा लगता है इसका? नाइट विज़न अच्छा है, काफ़ी लंबी लाइट है, काफ़ी दूर तक जाती है और इसका विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, पूरा रोड कवर करके चलती है, अच्छा विज़न है नाइट का भी। ओके, और चलिए ये तो थे कुछ क्वेश्चन, और बात कर लेते हैं आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगा? इसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी सुपीरियर है, बाकियों से थोड़ा हटके है, और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सिंगल हैंड कंट्रोल है, कंफर्टेबल है, सब कुछ अच्छा है, बस एक ग्राउंड क्लीयरेंस छोटा सा मेजर इशू है। ठीक है, ब्रेकिंग भी आपको अच्छी लगी? हाँ, ब्रेकिंग ABS है तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम जहाँ पे रोके तो रुक जाती है, बिल्कुल स्किड नहीं करते टायर, बिल्कुल भी स्किडिंग नहीं होती, जहाँ ब्रेक लगाए वहीं एज इट इज़। डिज़ाइन की आपने बात करी कि जैसे कि काफ़ी सारे राइवल्स हैं, होंडा आईनेस है वो भी काफ़ी अच्छे दिखने में, और रॉयल एनफील्ड भी है, तो आपको डिज़ाइन में सबसे अच्छी यही लगी? डिज़ाइन में सबसे अच्छी मुझे यही लगी, बाकी सब ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये अभी नया है, पहले 42 था, 42 2.1 अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसमें कलर वेरिएंट्स भी 3 है, वाइट भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, तो डिज़ाइन में देखा जाए तो मुझे यही पसंद आया बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये थे पॉजिटिव, अब बात कर लेते हैं कुछ कमियाँ जो आपको लगी हुई इस बाइक में वो बताइए। कमियाँ थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। ओके, जैसे कि छोटे मोटे जो हैं लगता है देखने में ओनर को कि हाँ ये चीज़ें हो सकती थी, इंडिकेटर्स लगा रहे, इंडिकेटर्स काफ़ी छोटे दिए हुए हैं साइज़ में एज़ कम्पेरेटिव, थोड़ा सा ये साइड मिरर्स हैं तो ये थोड़ा सा इनको यूनिक किया जा सकता था, और बाकी तो ठीक है, और एक ग्राउंड क्लियरेंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थोड़ा हो सकता था, तो ये आपको कमियाँ लगी? हाँ जी, ये इतनी कमी। तो कुल मिला के मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इस मोटरसाइकिल से सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं? बिल्कुल सेटिस्फाइड तो है ही, पैसे लगाए हैं तो सेटिस्फेक्शन के लिए लगाए हैं तो, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, सेटिस्फाइड मतलब तो कोई है। आपको मजा मेजर बड़ा इशू नहीं लगा? मेजर बड़ा इशू नहीं लगा, बस पछतावा और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, बस ये 2-3 जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो मैंने आपको से डिस्कस कर लिए हैं, बाकी कोई इतना मेजर इशू नहीं है। तो ये था जावा 42 2.1 का एक ओनरशिप रिव्यू, और जिसमें दर्पण ने बड़े अच्छे से अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर किया बाइक का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो वंस अगेन दर्पण थैंक यू, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।